दोस्तों, मैं जा रहा हूँ एक बहुत अच्छे ट्रैक पे जिसका नाम है कटागला, जिसका नाम है कटागला। और इस ट्रैक की बेस्ट चीज़ क्या है, मैं ट्रैक लीडर हूँ और मुझे ट्रैक का रास्ता नहीं पता है। मेरे साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इतने सारे लोग जाने के बावजूद भी मेरे को रास्ता नहीं पता। तो यार अभी हुआ क्या है ना, हम पूरा ट्रैक करके यहाँ तक आ चुके हैं, मतलब सब लोग यहाँ हैं और रास्ता भूल गए। मुझे तो पता नहीं, तो मेरी जो गाइड है वो है आरती। अब आरती कहती है उसको भी शॉर्टकट भूल गया। तो हम बारिश में मस्त भीग भीग के एक मस्त जगह पे बैठ गए। अभी बहुत बहुत अच्छा है, मतलब बारिश थी, हमने गाने गाए, नाचे थोड़ा, मतलब ऐसे नहीं नाचा, बाकी सब नाचे, काफ़ी मज़ा आया। दोस्तों ये आरती है जो रास्ता भूल चुकी है। आरती वो एडवांस जॉब यार। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं और ये सीधा होस्टलर से कुछ 25-30 मिनट का रास्ता था बाय वॉक। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस जगह पे आना, क्योंकि रास्ता बहुत खूबसूरत है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी, अगर मैं यहाँ पे आपको मिला तो आपको मज़ा आ जाएगा सच में, क्योंकि मैं रास्ते में आपको गाने भी सुना सकता हूँ, थोड़ा हंसा भी सकता हूँ और मोमोज भी खिलाऊंगा, चाय भी पिलाऊंगा, समझ रहे हो। तो ये है मिस्टर राज, जो कि बहुत ही प्यारे इंसान है। ये अभी तक सबसे लंबे गेस्ट है मेरे साथ जो है यहाँ पे, और हमने इतना फ़न किया ना दोनों ने, हमने बात भी नहीं की लेकिन बहुत फ़न किया है। इनके ना एयरपोर्ट्स घूम गए थे और ये बहुत परेशान थे। मैं ढूंढ के लाया और मैंने भाई को बोला कि मैं आप मुझे मोमोज खिलाओगे, कहते किस खुशी में, मैंने एयरफोन दिखाए, कहता भाई खा जितने खाने का। तो आज मेरा मोमोज खाने का दिन है दोस्तों। दोस्तों तुम सबको लग रहा होगा ना कि मैं तुम्हें यहाँ घुमाने लेके आया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं ना हर बाप का एक बाप होता है जिसको हम दादाजी कहते हैं, वैसे मेरा भी एक गाइड है, मतलब मैं सबको लेके आया हूँ। लेकिन अब मुझे ये रास्ता, ये जगह, ये बहुत ही प्यारा सा कैफे किसने सजेस्ट किया, मिलवाऊँ आपको, चलो आ जाओ। हाय फ्रेंड्स, तो हम आज आए हैं मेराकी कैफे। सो दिस इज रन बाय कपल जो पहले गोवा में रहते थे, एंड देन दे केम टू द माउंटेन्स एंड दे फेल इन लव एंड they are settled here. So the best thing about this cafe is it's very different. यहाँ पे Wi-Fi नहीं मिलेगा, you have to talk to each other. And the food is amazing. You'll get Himalayan cuisine, Goan cuisine, and their cupcakes, chocolates. I think you'll never go wrong in this place. Everything is very yummy. Do visit this place when you're in Kasol. क्या करते हैं इसको, एंड देन वी कैन पुट आवर यू नो अपने मर्जी के हिसाब से, वी कैन हैव बेरी वाला और वॉलनट कैरमेल एनीथिंग, एंड देन दीस आर द मफिन्स, दीस आर द हैंडमेड चॉकलेट बार्स। आई थिंक टुडे दे डोंट हैव द ट्रफल्स, दोस आर द बेस्ट पार्ट्स। तो यार ये जगह ना बहुत अच्छे से बनाई गई है, मेरी भाषा में बोलो तो सुकून से बनाई गई है। अगर आप कभी यहाँ विज़िट करोगे ना, और अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है मेरे साथ और आरती के साथ विज़िट करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और हो सकता है बहुत सारे दोस्त लोग आरती के ये ब्लॉग देख रहे हो। यार दोस्तों मैं बहुत अच्छा कम्युनिटी मैनेजर बनूंगा, मतलब मैं ये नहीं बोलता मैं आरती से बढ़िया बनूंगा, लेकिन हाँ मैं पूरा हर काम दिल से करता हूँ,
तो अगर आप वापस कभी कसोल आते हो तो प्लीज़ मेरे से मिल के जाना। अगर हॉस्टलर नहीं भी रुकते हो तब भी प्लीज़ मेरे से मिल के जाना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से अटेंड कर सकूँ, आपको घुमा सकूँ, एटलीस्ट एक गाना तो सुना ही सकूँ। पन्ना ये अपना आम पन्ना है दोस्तों, आरती ने मेरे को पहली बारी यहाँ पे लेके आई और इसलिए पता नहीं क्या मंगवाया है मेरे को पता नहीं क्या मंगवाया है, रॉ मैंगो डिलाइट। वो बहुत टेस्टी नहीं है, बता मत सब पी लिए। बहुत बढ़िया। तो यार दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला है कैफे बहुत अच्छा है, जितना ही देखने में अच्छा था उतना ही यहाँ का खाना भी अच्छा है। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर किया है, मैं सब तो नहीं खाऊंगा लेकिन जितना भी मैं आपको बता पाया पक्का बताऊंगा। अभी मेरे पीछे बहुत ही प्यारे गाने गा रहे हैं, मेरे को अच्छा लगता है जब मेरे अलावा भी कोई गिटार बजाता है, गाने गाता है, क्योंकि तब मेरे को सुनने का मौका मिलता है। तो अभी मेरे साथ जो दोस्त है जिसका नाम है पारिक, वो बहुत अच्छा गाता है, मैं आपको उसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। प्लस जब भी कसोल आओगे प्लीज़ 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 वोकलिस्ट बाबा पे एक DM कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपसे मिल सकूँ। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आप हॉस्टलर में स्टे कर रहे हो, तो मैं वहीं पर आपको मिलने वाला हूँ 3 महीने तक, उसके बाद कहीं नया चला जाऊँगा। अभी बैक टू तारिक्स परफॉर्मेंस। दोस्तों पटागला का जो आज का ट्रैक था वो खत्म हो गया, पूरा दिन मस्त एकदम निकला, लेकिन वो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। अभी पता है क्या हुआ, तुम्हें बताता हूँ। आरती और आस्था और मुझे एक बहुत ही प्यारे गेस्ट ने विशाल ने ये गिफ्ट किया है, और अभी हम सब मार्केट गए थे कुछ सामान लेने, तो जब हम वापस आए तो ये हमारे लिए रूम में पड़ा था। तो विशाल भाई थैंक यू, तुमने बहुत अच्छे से हमें गिफ्ट दिया और तुमने बहुत हेल्प की मेरी ब्लॉग्स बनाने में। हम जल्दी मिलेंगे, जब भी मैं दिल्ली आऊंगा पक्का आपसे मिलके जाऊंगा, वहीं रहता हूं मैं आपके पास ही। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्लीज। नाम क्या चैनल का? सुकून विद बाबा। विद बाबा मुझे लगा पता भी नहीं होगा। चलो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। ओके टाटा बाय।